लविंग हार्ट अग हार्ट इज द ट्रूएस्ट विजडम टूडेजी फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी रेपिड जी के स्टडी क्वेश्चन के आंसर है आइसोटोप्स आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका डिफरेंट मास नंबर होता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज और लार्जेस्ट है लिवर वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है इसीलिए सन हमें दिखता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव होता हुआ पैनक्रियाज में हार्मोन बनता है ड्यू टू द लैक ऑफ अगर यह हार्मोन नहीं बनता है तो फिर होता है डायबिटीज मेलेटस फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है सैमुअल हैन मैन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया होता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यूसली ट्राई टू रिमेन इन मोशन जिसके कारण जब रनिंग कार स्टॉप होती है सडनली तो पैसेंजर्स टेंस टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ इनर्शिया सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज आंसर आज के सवाल है इन विच स्टेट इन विच स्टेट दिस बनेर घाटा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड बागुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट वेयर इज द देडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट प्रेजेंट डेन्यूब रिवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है डेन्यूब रिवर पासेस थ्रू विच ऑल यूरोपियन कंट्रीज सीज मेड हिस्ट्री कल पढ़ा था हिस्ट्री विद सक्सेसफुल फ्लाइट ऑन प्लान मार्स एंड वॉट इज द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज डे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल मतलब टू मूव विद अर्जेंसी और पैनिक कोविड नाइनटीन की सिचुएशन वर्जन हो रही है स्क्रैम्बल अंडर कार्पेट अंडर कार्पेट का मतलब है टू हाइड अ प्रॉब्लम और का मतलब होता है आउटलाइन है किसी फिगर का मास लैंड एटसेट्रा दैट इज कंटूर जोग्राफी या फिर प्लान भी हो सकता है रूपरेखा निम्बल निम्बल का मतलब है क्विक एंड लाइट इन मोशन बी निम्बल फिंगर्स क्रॉस्ड फिंगर्स क्रॉसड मतलब टू होप स्ट्रॉलीट समय गुड विल हैपन एक्सप्रेस गुड लक सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टूडेम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं कोविड नाइनटीन अपडेट स्टे इनडोर्स गेट वैक्सीनेटेड दैन दिस इज यू एस करेंसी वॉच लिस्ट आर बी आई परचेजिंग डॉलर इस पे हम कॉमर्स सेक्रेटरी का स्टेटमेंट देखेंगे ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है मैनेजिंग एंड दिस दिस अपल देन लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी का और ये 2017 का मेंस का सवाल भी देखेंगे बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ड अंडर कारपेट माउस एंड दिस इज अ फैंटम कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिस इज़ यू एस डिनाइज वैक्सीन इनपुट बैनज ट्वेंटी ईयर्स और ये अभी जो रशिया है रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो आई एस एस से सेपरेट होकर ख़ुद का एक दिस आई एस एस बनाना चाहती है स्पेस दिस सेंटर सो विल हैव अ टॉक ऑन दिस देन दिस इज अबाउट टॉयज रशिया स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आज सिविल सर्विसेज डे है विल हैव अ टॉक ऑन दिस दैन दिस इज़ अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट विश्व धरोहर दिवस के बारे में आज हम बात करेंगे हिंदी में ये सी सेट के सवाल हैं और ये कुछ प्रश्न हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी कल कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि दे वॉन्ट टू गो आउटसाइड मेक अ ग्रुप एंड ऑल डू दिस सर्विसेज एट्सट्रा हेल्प करना चाहते हैं सी अंडरस्टैंड अभी आप जो सबसे अच्छी हेल्प कर सकते हैं ना तो आप जस्ट स्टे एट होम स्टे एट होम और आप अपनी पढ़ाई करें ये बेस्ट हेल्प है जो आज के टाइम पे इस स्थिति में हम कर सकते हैं सो जस्ट स्टे एट होम एंड स्टडी जो डेडिकेटेड फ्रंटलाइन स्टाफ है दे आर वेरी मच केपेबल टू टेक केयर ऑफ एवरी हमें एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन अभी बस अपना ध्यान रखना है बीमार नहीं होना है सो so दैट ये ओवरवेलम नहीं हो जाए दिस मेडिकल फैसिलिटी सो जस्ट स्टे एट होम एंड स्टडी डू योर ड्यूटी यू नो ट्रू हीरोइज़म इज रिमार्केबली सोबर अगर हम सब अपनी ड्यूटी अच्छे से करें सिंपल सिंपल ऑर्डिनरी ड्यूटी तो कलेक्टिवली ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं लास्ट ईयर कोविड नाइन्टीन हुआ हम सब के मन में आया कि वी शुड डू समथिंग कॉन्ट्रीब्यूट हेल्प एट्सेट्रा आई स्टार्ट एड टीचिंग अभी वी आर अप्रोचिंग फोर फाइव हंड्रेड डेज आई टॉट एवरी सिंगल डे एवरी डे मीन्स एवरी डे सो आई डिड माई ड्यूटी जितना मेरा एबिलिटी है कैपेसिटी है उसके बेस्ट वी डिड अवर ड्यूटी सो यू ऑल्सो डू योर ड्यूटी योर ड्यूटी इज टू स्टडी आप स्टडी करो हेल्दी रहो स्टे एट होम एंड स्टडी दैट्स द बेस्ट हेल्प यू कैन डू इन द प्रजेंट सर्कमस्टांसेज सो स्टे एट होम एंड स्टडी डू योर ड्यूटी ओके नाउ लेट इस

हाईलाइट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि लॉकडाउन की नौबत भी आए तो वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए बिकॉज लॉकडाउन से फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं इकोनॉमी का चैलेंज आता है तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर हम सब अपनी ड्यूटी करें जिम्मेदारी पूर्वक रहें सो दिस इज़ द मैसेज स्टे इनडोर एंड गेट वैक्सीनेटेड अभी फर्स्ट ऑफ़ मे से वैक्सीनेशन सबको ओपन हो जाएगा मोस्ट ऑफ़ यू आर एटीन प्लस गो गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट ऑफ़ मे से स्टे इन गेट वैक्सीनेटेड सो दिस इज लॉकडाउन एक एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वी शुड डू अवर ड्यूटी एंड एक्ट इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर प्रोडक्शन ऑफ कोवैक्सिन स्केल्ड अप मैसेवली विच इज़ अ गुड थिंग सी दिस इज दिस इज़ वेरी पेनफुल सो वी ऑल नीड टू डू अवर ड्यूटी स्क्रैम्बलिंग फॉर स्पेस दिस अब ये कोविड नाइनटीन न्यूज है दिस दिल्ली हरियाणा देन यू पी ये न्यूज़ है यूएस करेंसी वॉचलिस्ट एंड इंट्रूजन इन टू पॉलिसी ऑफिशियल्स ने कहा अपसी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का आपने होमवर्क किया है कुछ ही दिन पहले आर पे हमने एक नोट प्रिपेयर किया और हमने देखा आर का फाइनेंशियल रेगुलेशन में क्या मैंडेट होता है आर का उससे पहले हमने देखा था मोनिटरी पॉलिसी कमिटी आर बहुत सारे जो रोल्स हैं उसको डॉन करता है मल्टीपल हेड्स आर का काम होता है पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है ना उसमें एक स्टेबिलिटी बनाए रखना तो कई बार जैसे डॉलर्स के डॉलर के अगेंस्ट रुपी एप्रिशिएट डेप्रिशिएट हो रहा है या चीज़ें वर्जन हो रही है तो आर एक अपने पास एक मैकेनिज्म सेफ़्टी मैकेनिज्म रखता है डॉलर का भी एक सफिशेंट रिजर्व रखता है सो so देट अगर ज़रूरत पड़े तो आर बी आई वहाँ पर इंटरवीन कर पाए तो देट इज़ वाई आर बी आई मैनी टाइम्स डॉलर्स परचेज भी करता है इससे स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहती है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं हो यूजुअली इंटरवीन नहीं करता आरबीआई वर्स्ट केस सिनेरियो में एट टाइम्स इंटरवीन करता है तो इस बात पे यूएस सबसे ज्यादा इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है हमारा तो यूएस ने हमारे करेंसी को दिस वॉच लिस्ट में रखा है वॉच लिस्ट में कुछ ही दिन पहले ये न्यूज ब्रेक हुआ था तब हमने देखा था तीन क्राइटेरिया होते हैं जब वॉच लिस्ट में यूएस ऐसे रखता है पहला कि सिग्निफिकेंट एटलीस्ट 20 बिलियन का बायोलेट्रल ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ वो अब हमारा है हम सरप्लस में है मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस है परसिस्टेंट आउटसाइड इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट है तो इन दो कंडीशंस के कारण इन दो कंडीशंस के कारण यूएसए ने इंडियन करेंसी को यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखा साइट किया कि हायर डॉलर परचेज हो रहा है क्लोज टू फाइव ऑफ जीडीपी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पहली कंडीशन दूसरी अनादर ट्रिगर फॉर द इंक्लूजन ऑन द करेंसी वॉच लिस्ट की ट्रेड सरप्लस अभी हमारा ट्वेंटी बिलियन और मोर हो गया तो बिकॉज वी मेट दिस टू कंडीशन तो यूएस ट्रेजरी ने इंडियन करेंसी को वॉच लिस्ट में रख दिया अब इस बात पे कॉमर्स सेक्रेटरी और इंडियन रिस्पॉन्स आया है कि आर बी आई ने ये जो डॉलर्स खरीदे दिस इज नॉट लाइक एंटी मार्केट या फिर दिस इज नॉट समथिंग अगेंस्ट यूएसए दिस इज जस्ट टू सेफ गार्ड अवर ओन फाइनेंशियल मार्केट सो आई थिंक देंट्रल बैंक्स एक्टिविटी इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट हैज बीन परफेक्टली बैलेंस्ड और ये कम्प्लीटली लेजीटिट भी है कुछ इनलेजिटीमेट काम नहीं हुआ है ये लेजीमेट है विद इन द एक्सेप्टेड मॉनिटरी पॉलिसी मैंडेट ऑफ सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ऐसे ही काम करते हैं ये कंप्लीटली लेजीटिमेट है ये जो वॉचलिस्ट में आपने रखा रिसेंट फिन ये इंक्लूजन है इन टू पॉलिसी स्पेस ऑफ सेंट्रल बैंक्स हमारा सेंट्रल बैंक आर इंडिपेंडेंट है ऑटोनोमस है सोवरन है तो ये वॉच लिस्ट में जो आपने रखा यू एस ट्रेजरी ने इंडिया को विच इज अगेंस्ट दिस इंक्रूजन है वो अगेंस्ट है दिस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ये यहाँ पे स्टेटमेंट है सो वॉट वी नीड टू नो वॉट वी नीड टू नो कि दिस इज यू एस ट्रेजरी का करेंसी वॉच लिस्ट और इंडिया ने ये दो कंडीशन के कारण इंडिया को इस लिस्ट में रखा है पहला आर बी आई डॉलर परचेज दूसरा ट्वेंटी बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस अब इसमें आगे और डेवलपमेंट होगा तो विल लुक अबाउट इट फर्दर ओके देन ये एग्जाम जैसे कैंसिल हो रहे हैं सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सेकेंड पेज है हेल्थ वर्कर्स स्ट्रेज हैं एज केसेज सी हमारा जो हेल्थ वर्कर है फ्रंट स्टाफ है ये दे आर वेरी मच केपेबल टू टेक केयर ऑफ एवरी थिंग बट द पॉइंट इज वी ऑल एज अ वी ऑल शुड एक्ट एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हेल्थ वर्कर्स अभी स्ट्रेच्ड है ये वीकेंड्स में वर्क कर रहे हैं आई सॉ सम ट्वीट्स की ये डॉक्टर इज सेंग की फॉर पास्ट वन वन एंड हाफ ईयर इफ ई इज़ नॉट स्लीपिंग ही इज़ वर्किंग सो दे आर सो मच स्ट्रेच्ड सो दिस इज़ द थिंग इंक्रीज ऑक्सीजन बेड्स अक्रॉस फैसिलिटीज ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है इसलिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को अभी डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर मेडिकल यूजेज सी ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है अक्सर ये वर्ड होता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट एम्बुलेंस को हमें ऐसे पास कराना है तो हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं ताकि वो बिना ट्रैफिक में बिना किसी बिना किसी जगह अटके ऐसे क्विकली ट्रांसपोर्टेशन कर पाए ग्रीन कॉरिडोर बिकॉज जब ऐसा हेल्थ केयर होता है तो उसमें एवरी सेकेंड काउंट्स सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं एम्बुलेंस सर्विसेज अब दिस इज कोविड कोविड कंटिन्यूस इवेलुएशन स्कूल को बोला गया है मेनटेन अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट इन पब्लिक प्लेसेज स्टे सेफ खुद का ख्याल रखें स्वस्थ रहें अच्छे से पढ़ें ये बहुत बड़ी हेल्प है सब आसपास के लोगों के लिए सो डू दिस थिंग प्लीज गेट वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस कोरोना मैनेजिंग एन अपीवल यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूसली वही बात है कि हमें प्रैगमेटिज्म दिखाना चाहिए प्रिपेयर्डनेस दिखाना चाहिए कोविड नाइन्टीन की फाइट से लास्ट टाइम हम हमेशा बोलते हैं डोंट ड्रॉप द गार्ड्स जब तक कंप्लीट विक्ट्री नहीं मिलती है ना डोंट ड्रॉप द गार्ड्स सिविल सर्विसेज में भी यही फंडा चलता है जब तक आपको डिजायरेबल रैंक नहीं आया है डोंट ड्रॉप द गार्ड सिमिलरली कोविड में हमने पहले अच्छी सक्सेस मिला फर्स्ट वेव में हम एकदम रिलैक्स हो गए अब सी ही सेकेंड वेव आ गया सो दिस इज द प्रॉब्लम प्रैगमेटिज्म होना जरूरी है प्रिपेयर्डनेस होना ज़रूरी है फिर यहाँ फर्दर टॉक है कि पब्लिक प्रेशर है पैनिक हो रहा है कॉम्प्रीहेंशन हो रहा है इसमें वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है एसेंशियल मेडिसिन का शॉर्टेज है सी अब गवर्नमेंट को भी यहाँ पे फॉल्ट करना राइट आउट राइटली करेक्ट नहीं होगा बिकॉज केसेस कितने कम हो रहे थे दस हज़ार केस आ रहे थे कब मार्च में मार्च एंड में भी अब अचानक से टेन थाउजेंड से ये हो गए थ्री लाख रुपए थ्री लाख क्रॉस हो गया नंबर ऑफ केसेस सो दिस इज़ द प्रॉब्लम तो यहाँ प्लानिंग ऑब्वियसली हम थोड़ा और बेटर कर सकते थे रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है वी नीड टू बी प्रैगमेटिक एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड और ज्यादा हाइप नहीं बनाए सबस्टेंस हो ट्रू हीरोइज्म इज रिमार्केबली सोबर चुपचाप हमें अपना काम अच्छे से करना है हाइप नहीं अ लीग ऑफ देयर ओन ये यूरोपियन फुटबॉल क्लब के बारे में दिया हुआ है ये एक सेपरेट लीग बना रहे थे बट अब ये लीग शायद कैंसिल हो जाएगा बोरिस जॉनसन ने भी कहा था और इमानुअल मैक्रो फ्रांस ने भी लेट अस सी अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज सी कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं जीरो न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल कैसे बने मतलब जितना एमिशन हो रहा है उतना ही ज़्यादा हमें उसको ऑफसेट करना है अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेट चेंज अब यहाँ ये बात है कि ओवरऑल ओवरऑल हमें अगर कार्बन से कार्बन क्लाइमेट चेंज बैटल को फाइट करना है तो वी नीड टू पिक सर्टेन सेक्टर्स जहाँ पे हमें अच्छा आर मिले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर हो थोड़े एफर्ट्स में हम बहुत ज़्यादा कार्बन कट कर सकते हैं तो हमें वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं और वहाँ पर अपना इनिशियल एनर्जी इन्वेस्ट करना है सेक्टर लेड होना चाहिए एक्शन बेस्ड होना चाहिए ये अप्रोच प्रोवाइड कर सकती है फ्रेमवर्क टू ड्राइव लो कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो लीडर्स हैं क्लाइमेट समिट के अभी मिलेंगे ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल यूएसए में एक मीट होगा वर्चुअल मीट होना चाहिए और यहाँ ये बात करेंगे क्लाइमेट चेंज का बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अगेन वन अनादर प्रॉब्लम कोविड नाइन्टीन जूनोटिक डिसजेज़ ये सब भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इनका ऑनस्लॉट बढ़ गया है ये ज़्यादा सीवियर हो गई है एक होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसने बताया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट इसने कहा जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ इमिजन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इसको कंट्रोल करना है वन डिग्री दिस प्री इंडस्ट्रियल लेवल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए हमें रीच करना पड़ेगा नेट जीरो बाय 2050 तो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंटेन करके रखना है क्लाइमेट दिस ग्लोबल टेम्परेचर राइज को ग्लोबल वार्मिंग को तो बाय 2050 हमें नेट ज़ीरो बनना है जितना कार्बन फुटप्रिंट हम बना रहे हैं उतना ही हम उसको ऑफसेट करें नेट ज़ीरो हो जाए प्लस माइनस बट द पॉइंट इज़ यहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पिछले दो ढाई सौ साल में इतना ज़्यादा कार्बन अमिजन किया है तो दे आर हैविंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन कंपेरिजन टू से सम मिडिल लेवल कंट्री और से सम अफ्रीकन कंट्रीज लाइक दैट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल एड कार्बन जो कमिटमेंट है वो फोर्ज नहीं होना चाहिए बिकॉज इंडिया का पर कैपिटा कार्बन अमिजन ऑलरेडी काफ़ी लेस है हम फोकस करें कॉन्क्रीट और नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन में एग्रेसिव एडॉपशन करें टेक्नोलॉजी का विद इन अवर रीच जो हमारी कैपेसिटी में हो एफर्ट टू अवॉइड हाई कार्बन दिस लॉक इन जॉब क्रिएशन होगा इससे डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस भी होगा जैसे हम क्यों ना कोशिश करें डी करना पावर सेक्टर को यहाँ कोल हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर पावर सेक्टर में कोल का है यहाँ हम सीलिंग सेट करें टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट करें एनर्जी एफिशिएंट बने जितना कम एनर्जी हम लग लेंगे उतना ही कम हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो जितना एनर्जी हम सेव कर रहे हैं वेस्टेज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एट्सट्रा का तो उतना ही एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा तो इन अ वे एनर्जी एफिशिएंट होने से भी हम हेल्प करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी पे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जीज़ को हमें फोकस करना चाहिए एंड एक टाइमलाइन सेट करना ज़रूरी है हर चीज़ जो होता है ना उसका एक टाइमलाइन होता है कि आपको ये काम करना है सेट अ टाइम बिना टाइम के वो फिर इफेक्टिव नहीं होता है सो सेट अ टाइम कि इतने टाइम पर हम ये टारगेट्स करेंगे और ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है दूसरे कंट्रीज़ पे अदर कंट्रीज़ में इसको ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी एम्बिश है क्रेडिबल है और हमारी डेवलपमेंटल नीड्स में है तो हम टेलर मेड अप्रोच अपनाएंगे क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट मिटिगेशन से एम्बिशियस फॉरवर्ड लुकिंग रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिया तो ये पूरा इसका जस्ट है लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज पर्टिकुलर सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें जैसे कोल्ड पावर हुआ डी कार्बोनाइज करें एनर्जी सर्विसेज बढ़ाएँ टाइमलाइन के साथ वहाँ पर एफर्ट करें सिस्टमेटिक एफर्ट सो जिससे हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से डील कर पाए अपी सवाल कितने आसान आते हैं जैसे दो हज़ार सत्रह का प्रश्न है क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रो ग्लोबल प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट हो गया नंबर वन हाउ विल इंडिया भी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज अब ये ग्लोबल प्रॉब्लम है हमने एक प्रीमाइज सेट कर दिया कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम अब इस ग्लोबल प्रॉब्लम में सेकेंड पार्ट आता है हाउ विल इंडिया भी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज तो दिस इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट था हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल भी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज ये हो गया थर्ड पार्ट यहाँ फोकस करना है हिमालय पे और कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया पे कि ये कैसे अफेक्ट होंगे बाय क्लाइमेट चेंज तो सी जब भी किसी प्रश्न में ऐसे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं ना अगर ऑप्शन में है तो यूजुअली आपको ये मल्टीपल पार्ट्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इसमें नंबर ज़्यादा खींचने का अच्छा स्कोप होता है जैसे जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल पूछे हैं ना एक बड़े सवाल में उसमें ज़्यादा अच्छा अपन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें तीन पार्ट है और हर पार्ट का एक वेटेज होगा जैसे ये पंद्रह नंबर का सवाल है तो पांच 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 समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है तो आप तीनों पार्ट को एड्रेस करो तो यू कैन गेट फैच बेटर मार्क्स पहले आप बताओ क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एक दो पैराग्राफ में लिख दो कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है अब तुरंत आके इंडिया पे फोकस करो ये नहीं कि पूरा प्रश्न आपने क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम में ही पूरे दो ढाई सौ वर्ड्स खर्च कर दिए नो सम इधर हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज दूसरा पार्ट ये लिखिए कुछ फिर तीसरा लिखिए ये और यहाँ फोकस रखिए हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स में कि ये कैसे अफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज में दिस इज द अप्रोच दैट इज बाय आई कीप ऑन सेइंग हमें हमेशा बैलेंस्ड लोग पसंद आते हैं जो बैलेंस्ड हो ये नहीं कि एक्सट्रीम में जा रहे हैं इस एक्सट्रीम में भी नहीं इस एक्सट्रीम में नहीं एक वेल बैलेंस्ड हॉलिस्टिक दिस वी नीड सो प्रिपेयर अ वेल बैलेंस्ड हॉलिस्टिक कंप्लीट आंसर ये पूरे प्रॉब्लम को जो एड्रेस करे आंसर अब द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओेस्त ये इसके बाद है फाइट द पैंडमिक नॉट द अपोजिशन अगेन कोविड नाइन्टीन रिलेटेड थ्योरीज हैं कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए दिस इज़ द लॉन्ग बैटल्स अगेंस्ट द माओस्त माओस्त में कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी आया शेयर राज्यसभा का एंड आई शेयर वन पी डी एफ एज वेल दिस दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन ज़रूरी है और सोल्यूशन जो भी है वो हमें इंटरनली यहाँ पे टू प्रोन्ज्ड मैथड से सॉल्व करना है कि वेलफेयर डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है उसको प्रोवाइड करें एट द सेम टाइम जो वेपन्स उठाए हैं उनको सरेंडर कराएं या फिर यहाँ पे सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करें बिकॉज स्टेट इज सुप्रीम स्टेट हैज़ टू बी देयर और स्टेट की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें बिकॉज गवर्नमेंट भी तो हम ही ने बनाई है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे सेट करें बेनिफिट्स जो हैं डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जो बहुत सारी जेनवन प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों में कि विलेजेस में डेवलपमेंट नहीं होता है एट्रॉसिटीज़ होती है यहाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन चीज़ों को इमीजिएटली एड्रेस करना है कोई भी स्टेट अगर आप देखो ना चाणक्य ने कहा है कि जो स्टेट तभी हारता है स्ट्रांग से स्ट्रॉन्ग स्टेट दो वो तभी हारता है जब वो इंटरनल फाइट में होता है देट इज़ वाई इंटरनल फाइट इज ऑलवेज बैड सिविल वॉर इज ऑलवेज बैड सिविल वॉर नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर बाहर किसी से लड़ना है ना तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑलरेडी दिस आर्मी से लड़ना है इससे लड़ना है बट अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है ना तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हुज़ द एनिमी एंड हुम टू फाइट किससे फाइट करोगे ऑल आर अवर पीपल सो द पॉइंट इज यहाँ पे वी नीड दिस अप्रोच टू डील विद दिस माओस्त प्रॉब्लम बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ड अंडर कारपेट अब ये न्यूज़ है कि जो बॉर्डर सिचुएशन है उसको भी हम को इग्नोर नहीं करना है अब बॉर्डर में हम क्लियर कट हमारे पास एक है क्लैरिटी है कि दिस इज चाइना दिस इज इंडिया ये बॉर्डर है अब यहाँ पे हमें अपने आप को डिफेंड करना है ये हम बड़े अच्छे से कर लेंगे तो द पॉइंट इज यहाँ पर बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ड अंडर कारपेट बिफोर दैट यहाँ पर रेगुलर टॉक्स हैं तेम ओल्ड रोट लर्निंग रोट लर्निंग पे नहीं एम्फेसाइज करना है समझ भी आनी चाहिए डेटा इतना सारा पता है अब उस डेटा का यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए सेंसस का आपको सारा डेटा पता है 2011 का उसका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं उस डेटा से आप क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने स्क्यूड सेक्स रेशियो देखा एडल्ट्स में इतना है बच्चों में इतना है उससे आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे फिर आप उसका सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं कि ये क्यों है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं इस पर हमें एम्फेसिस करना है केवल रोट लर्निंग नहीं होती एट आइडेंटिफिकेशन एनालिटिकल एबिलिटी पे वी शुड एम्फेसाइज सॉल्यूशन फाइंडर्स चाहिए टैकलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी अब सी जब से ये वैक्सीन ओपन हुआ गवर्नमेंट भी बार बार बोल रही है रिमेंबर आई कि ये वैक्सीनेशन इज गुड गो गेट वैक्सीनेटेड अभी अगर अच्छे से वैक्सीनेशन लगाया होता पिछले एक दो महीने में सब ने तो चीजें इतनी खराब नहीं होती वैक्सीनेशन वालों को भी कोविड हुआ है बट उनमें फिर सीवियरिटी नहीं आती है ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं आता तो एटलीस्ट हम कुछ हद तक तो सेफ कर पाते हैं लोगों को इसलिए टाइम पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है अस्टिच इन टाइम सेव्स नाइन अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन वरना बाद में भी वही काम करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसे दे ज़्यादा कष्ट उठा के फिर वो काम करना पड़ेगा इसलिए टाइम पर काम करना चाहिए टेकिंग वैक्सीन देर अभी आपका काम है पढ़ना सो स्टडी बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ड अंडर कारपेट अब यू यू रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ जून ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे आई वॉज लुकिंग एट प्रीवियस नोट्स ये जो चाइना से हम इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं है वी फील अलार्मी फील अलार्मिक लास्ट में दिस जब से ये गलवान क्राइसिस हुआ था आई रेड अबाउट द चाइना का फ़िलासफी क्या है इसका राइज कैसे हुआ माओजोंग फिलासफ़ी क्या है इससे पहले सुनियत सेन क्या था फिर यहाँ पे ये लॉन्ग मार्च कैसे हुआ ये हॉन्ग कॉन्ग दैन फिर ताइवान कैसे बना चियांग काई शेख इनकी कैसे यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हुआ और चाइना की अभी एम्बिशनस क्या है क्या उसके सेट गोल्स हैं सो दैट इज़ बायता सब चाइना का अगर हम देखें ना तो चाइना से अलामड रहना ज़रूरी है अब प्रॉब्लम आती है एल की अब फैंटम कॉल द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे हमने लास्ट ईयर के नोट्स में देखा मई और जून में बहुत डिटेल में बात किया है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे में देखा कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू है लद्दाख एरिया अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में मैकमहन लाइन चाइना यहाँ पे अग्रेसिवली एक्ट करता है हमें हम फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स जो ओवर द पीरियड ऑफ बने पहले हम बोलते थे कि एल में नॉट अ सिंगल बुलेट हैज बिन फायर टू थाउजेंड फाइव टू फॉर सो टाइम सो मच ऑफ टाइम देन फिर चाइना ने अग्रेशन दिखाया फिर इनकी शी जिनपिंग डॉक्टराइन जब से आई है ना मिस्टर शी जिनपिंग वेरी वेरी एम्बिशियस और डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा तो शी जिनपिंग डॉक्टराइन है दिस इज़ लाइक बुलिंग रिवेंजफुल राइज इससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेटेस्ट टेंश, टेंशन देखे चाइना का अग्रेशन और अजर्टिवनेस तो द पॉइंट इज चाइना बाउंड्री इशू को इमिजिएटली सॉल्व करने के मूड में नहीं है चाइना वॉन्ट्स टू डिले इट एज मच एज इट्स पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे एडवांटेज चाइना है जो टेरेन है वो चाइना की तरफ से ज़्यादा कन्वीनियंट है हम कॉन्टीन्यूसली बोलते हैं कि जो पेट्रोलिंग होती है पेट्रोलिंग होती है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होना ज़रूरी है और डी मार्केशन की तरफ बढ़ना चाहिए अदरवाइज़ ये हमेशा टेंशन बना रहेगा अगर क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि विच पार्ट इज़ चाइना विच पार्ट इज़ इंडिया चाइना इसी बात का एडवांटेज उठा के स्टेटस को चेंज करना चाहता है वो भी यूनिलेटरली विच इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी और जिस पे इंडिया ऑब्जेक्शन उठाता है और इसीलिए अक्सर दोनों जो ट्रूप्स होती है वो यहाँ पे एल मार्केट नहीं है आमने सामने आती है और फेस ऑफ हो जाता है दिस इज़ द प्रॉब्लम ये फैंटम है एक्चुअल में कहाँ लाइन है चाइना का चाइना का इंटरप्रटेशन और इंडिया का इंटरप्रटेशन बहुत वेरी तो इसका सिस्टमेटिक सोल्यूशन करना ही इम्पॉर्टेंट है अदरवाइज चाइना इज़ अगेन मिलिट्री एंड अदरवाइज ग्रेट बिग कंट्री इंडिया भी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो क्लैश जो होगा ना वो कन्वीनियंट नहीं होगा दैट शुड बी अवॉइडेड ईस्टर्न सेक्टर चाइनीज हैव नॉट एक्सेप्टेड लूजली डिफाइंड मैकमहन लाइन तो परसेप्शन ऑफ एल है इसमें प्रॉब्लम है तो आर्टिकल में फिर अगेन यही कहा है यहाँ पर इंडियाज़ एन वॉय टू चाइना कि इन अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड ऑफ ऑल्टर इक्वेशन मल्टीपोलैरिटी इज़ प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट देन एवर इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड हमें वर्ड यूज़ करना है इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक नहीं इंडो पैसिफिक सो द पॉइंट इज अभी भी जो चैलेंजेस हैं बॉर्डर में उसको डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री टॉक्स के थ्रू हमें पीसफुल वे में रिजॉल्व करने का इंडिया अभी भी एम्फेसाइज करता है लेटस सी बॉर्डर सिचुएशन को बट हम स्वेप्ड अंडर कारपेट नहीं कर सकते तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड करना पड़ेगा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी बॉर्डर एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा सो so दैट हम क्विकली यहाँ पे अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर पाएँ तो एक पहला तरीका है डिप्लोमेटिक हम सॉल्व करें दूसरा तरीका है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी हम इंक्रीज़ करें मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी हमारी राइज करें स्ट्रेंदन करें दिस इज़ द वे फॉरवर्ड टू डील विथ चाइना इन दिस एल एस इशू अब ये यू ने डिनाई किया था वैक्सीन इनपुट प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप ट्रिप कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ सर्च ये बोइंग के हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था बट रेगुलेशन उन्होंने कुछ मॉडिफाई किया और फिर इसके बाद इनका ओवरफ्लाई अलाउ कर दिया गया है रिमूव करें ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट को ऑनलाइन मीट है ऑन द राइजिंग कोरियन वेव इन इंडिया दिस इज वेस्ट बंगाल होम मिनिस्टर एंड दिस इज डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी रिव्यूज़ प्रिपेयरनेस आर्म फोर्सेज टोल टू बी इन टच विद स्टेट्स टू ऑफर कोविड नाइन्टीन असिस्टेंस आर्मी आर्मी भी बहुत सारे रोल प्ले करती है डिजास्टर में भी आर्मी आती है डिफेंस में भी आर्मी आती है अभी पैंडमिक हुआ फिर से आर्मी आ जाएगी दिस इज आर्म फोर्सेज ह्यूमैनिटेरियन हेल्प चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बने थे सुशील चंद्रा साहब कोविड पॉजिटिव हैं देन यू एस ने डिनाई किया वैक्सीन इनपुट बैन कल के इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था वॉट डज मेकिंग अ वॉट गोज़ इन टू मेकिंग अ वैक्सीनेशन तो जो वैक्सीनेशन बनाना होता है उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एंड कॉम्पोनेन्ट्स हैं जैसे लिपिड नैनो पार्टिकल माइक्रो कैरियर सेल कल्चरल मीडिया फिल्टर नो नीड टू गो इन टू ग्रेट डिटेल ये चीज़ है जिसके लिए रॉ मटेरियल के लिए हम हैविली डिपेंडेंट हैं यू में तो इसीलिए दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि जो बाइडन है वो सारे रॉ मटेरियल का क्विकली इंडिया को यहाँ पे ओपन करें एक्सेस दें सो दैट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हम रैंप अप कर पाए तो यू ने कहा है कि वी आर ओके विद दिस ऐसा कुछ हम डिनाई नहीं करेंगे देन यू को प्रिपेर्ड होने के लिए बोला है कोवैक्सीन का प्रोडक्शन स्केल्ड अप होगा देन माइग्रेंट्स अन अदर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट दीज आर सम टू व्हीलर बाइक्स और ये है एस ऑफ स्पेस फ्रेमिंग फेस्टिव चीयर दीज आर टॉयज टॉयज स्पोर्ट्स होता है ना ये बहुत ज़रूरी होता है चिल्ड्रन में किड्स में स्पोर्ट्स से हमें टीम स्पिरिट आती है स्पोर्ट्समैनशिप आती है वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइट बट फाइट विद इन द रूल्स एक ग्रेसफुल फाइट करें विद इन द रूल्स सो ये सब चीज़ें डेवलप होती है दिस कॉम्पीट करना आता है ये सब होता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में तो ये कोयम्बटूर बेस्ड टॉय डिज़ाइनर है ये इंडिजीनस गेम्स बनाते हैं इंस्पायर्ड बाय कोलम कोलम एंड रंगोली कोलम एंड रंगोली Pattern and this ramayana This is more than child's play. Designing toys for children has to be a fun way of learning. That also instills value in a child beside honing different skills. Value addition. Sports is very, very important. Games, sports. A few countries cannot set global rules. Xi Jinping Nekal address kiya, deliver kiya speech, Monday media person. शी जिनपिंग ने कहा कि फ्यू कंट्रीज़ कैन नॉट सेट ग्लोबल रूल्स क्लियरली क्वाड अमेरिका यूएसए जापान, ऑस्ट्रेलिया इस पर टारगेटेड था चाइना रिजेक्ट्स रिजेक्ट जिनजांगन जॉइंट वैक्सीन प्रोडक्शन श्रीलंका इंडिया ट्रेवल बबल डिलेट बट चाइना अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस इज डेबी ई यू एजेंसी सेज़ ब्लड क्लॉट रेयर केसेज में हुआ है जॉनसन एंड जॉनसन साइड इफेक्ट में रशिया से इज़ इट विल लॉन्च ओन स्पेस स्टेशन इन 2025 अब ये स्पेस स्टेशन क्या होता है हमारी ये अर्थ है अर्थ में यहाँ पर एक परमानेंटली कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस स्पेस स्टेशन में रहते हैं ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है दैट इज स्पेस स्टेशन ये जो स्पेस स्टेशन है ये 357 फीट है एन टू एन ऐसा है स्पेस स्टेशन ये है स्पेस स्टेशन एन टू एन थ्री फीट है तो दिस इज़ द साइज सो दिस इज़ ह्यूज इन साइज यहाँ का विंग स्पैन इतना है पावर जनरेशन सोलर के थ्रू होता है हैबिटेबल वॉल्यूम मतलब कुछ एस्ट्रोनॉट्स यहाँ परमानेंटली डॉक्ड होते हैं परमानेंटली यहाँ पे रहते हैं और वो मॉनिटर एक्टिविटीज बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं स्पेस स्टेशन की स्पीड ये है मास ये है अभी तक 240 फोर्टी इंडिविजुअल्स जा पाए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे स्पेस क्राफ्ट भी यहाँ पे आते हैं और वो डॉक होते हैं इंटरस्टलार हम सब ने मूवी देखी है सो दिस इज़ अबाउट स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल क्र्यू है इंटरनेशनल क्र्यू है सोलर एरे होता है यहाँ पर और इनका जो काम होता है वो होता है कि एक स्पेस से एक वॉच है और दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस स्पेस फिनोमिन अर्थ के ऊपर एक वॉच रखा है बायोलॉजी बायोटेक से रिलेटेड अर्थ स्पेस साइंसेज एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिजिकल साइंसिस टेक्नोलॉजी सो दिस इज स्पेस स्टेशन ये बना था फोर डिफरेंट कार्गो स्पेस भी हैं स्पेस का ड्रैगन है जाक्सा है रशियन प्रोग्रेस एंड दिस नॉर्थ नॉर्थ रॉप सो दिस इज स्पेस स्टेशन अब ये जो स्पेस स्टेशन था ना ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी भी है 2025 तक इसका लाइफ टाइम है 1998 से बना था रशिया यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1998 में इसको लॉन्च किया था ये बहुत एम्बिशियस इंटरनेशनल कोलेबोरेशन रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में अब यूएस ने मैं फ्लाइट बंद कर दिया था जब से एक एक्सीडेंट हुआ था कल्पना चावला देन उसके बाद रशिया यहाँ पे केवल मैन फ्लाइट कर रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब इसमें आ गए प्राइवेट प्लेयर भी जैसे अभी एलोन का स्पेस एक्स ने यहाँ पे मैंड फ्लाइट किया था तो रशिया अब ये भी सोच रहा है कि क्यों ना वो अपना एक ख़ुद का यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बनाए तो रशियन स्पेस एजेंसी है रशियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि 2025 तक या उसके बाद वो अपना एक ख़ुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे रॉसकॉसमोस यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है यूरी गागरन रशियन थे पहले हैं जो स्पेस में गए थे यूरी गागरिन फर्स्ट इन स्पेस इज़ यूरी गागरिन फर्स्ट इन मून कौन है आप बताओ और फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस कौन है ये भी आप बताओ सो दिस इज़ अबाउट स्पेस इंडिया के भी एम्बिशियस प्लान हैं गगनयान है, गगन है मंगलयान है ये सब प्लान हैं और चंद्रयान का भी अभी लॉन्च होगा जो गगनयान है इसमें हम अपने भी मैन दिस मिशन एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने वाले हैं लेट एस सी इट्स वेरी एक्साइटिंग आज है सिविल सर्विसेज डे सिविल सर्विसेज डे बिफोर दैट गवर्नमेंट ने कहा है कंटेनर शॉर्टेज जो अभी चल रहा था रिजोल्व हो गया है लोकल कर्ब से भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है हीरो प्रोडक्शन कॉट ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी बड़ी ट्रबल चल रही है आई सी आर ए दिस इज ट्विटर एक्सपेंड करेगा नेस्ले प्री ओन्ड कार मार्केट भी क्रॉस सेवन मिलियन यूनिट्स बाय फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अ बिग कॉज ऑफ दिस अभी यहाँ पे काफ़ी दिस ट्रबल है बिकॉज सेल नहीं हो रही है देन अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ देन गवर्नमेंट इसीलिए स्क्रैपेज पॉलिसी भी लेके आई थी सो दैट बूस्ट मिले ऑटोमोबाइल सेल को अवॉइड करें लॉकडाउन जहां तक पॉसिबल हो वी ऑल नीड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली क्राइसिस इन हाई कोर्ट है कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा कोलेजियम सिस्टम के बारे में कोलेजियम सिस्टम ने कुछ नाम रिकमेंड किए जजेस के अपॉइंटमेंट के ट्रांसफ़र के ए्सेट्रा बट यहाँ जो कोलेजियम बना था तो वो अप्रूवल होता है गवर्नमेंट के बाद फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कितने टाइम पे अप्रूवल देगी इस पर कोई टाइम फ्रेम नहीं था तो जस्टिस बोबड़े साहब की बेंच ने यहाँ पे कहा अट्ठारह वीक एक लिमिट लगा दो एक्शन ऑन नेम्स मतलब जो नेम्स सजेस्ट हुए हैं गवर्नमेंट को अट्ठारह वीक के अंदर अंदर गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना है ये नहीं की पॉकेट वीटो की तरह अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको हमने एक्शन लिया ही नहीं चेंज इन दिस चेंज इन दिस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की यहाँ पे बात है एटीन वीक्स के अंदर डिसीजन लेने देन दिस इज हीरो सर्ज दिस इज पायर दिन असम क्यू स्कूल में कोटायम वैक्सीनेशन गो गेट वैक्सीनेटेड अपॉइंटमेंट एंड दिस इज जैब एंड पुश वैक्सीनेशन विद ड्यू रेस्पेक्ट अब अगेन कोर्ट ने बोला कि ये लॉकडाउन होना चाहिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं होना चाहिए इस बात पे डिबेट है एक वर्ड आता है जुडिशियल एक्टिविज्म एक लिमिट तक अच्छा है बट ओवर ओवर एंथुजियाटिक जुडिशरी भी इज नॉट राइट न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये इस पर्टिकुलर केस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहे इन जनरल देयर हैजू बी बैलेंस न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फैमिली ऑफ फिल्म्स ऑन रेड टर्फ दिस माउज प्रॉब्लम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू वर्ड्स डिजिटल आत्मनिर्भर मिस्टर शी बोल रहे हैं फेयर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए हम ड्राइवलरी विद यू वॉक द टॉक करना बहुत जरूरी है स्ट्रेंड रिलेशन एशिया ने म्यांमार क्राइज को यहाँ पे हाईलाइट किया है मिस्टर पुतिन रशिया भी अभी बहुत ज्यादा अजर्टिव हो रहा है हार्ड लाइन फॉलो कर रहा है वी नो हाउ टू डिफेंड अवर इंटरेस्ट देन दिस इज ऑक्सीजन सप्लाई का शॉर्टेज क्यों है दिस इज ओनली वन वैक्सीनेशन डोज इन सर्टन केसेज रिक्वायर्ड होगा कोरोना वायरस पाकिस्तान में मेहम ज अभी मेहम है दिस सिविल वॉर एंड दिस इज नेशंस आर अगेंस्ट इंडिया ट्रेवल ये है पार्टिसिपेटरी नोट्स सी पी नोट्स पी नोट्स क्या होते हैं ये इशू होते हैं बाय रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से अगर ओवरसीज़ मतलब कोई विदेशी इन्वेस्टर इंडियन सिक्योरिटी डोमेस्टिक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो आ सकता है बाय दिस पी नोट्स थ्रू इशू होते हैं एफ से टू ओवरसीज इन्वेस्टर को जो विश होते हैं विश हैं चाहते हैं इंडियन डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रजिस्टर करना तो वो पी नोट्स के थ्रू आ जाएंगे तो पी नोट्स इन्वेस्टमेंट ड्रॉप टू दिस मच करोर इन मार्च तो दैट इज वाई पी नोट्स भी अगेन हॉट मनी आता है जल्दी एस्केप भी हो जाता है पुल आउट भी हो जाता है तो द पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हुआ है यहाँ पे फाइनेंस बिल फेसबुक अब दिस पोर्टल बिलिटी ट्रांसफर रखेगा फेसबुक पोस्ट को आप किसी दूसरे मीडिया में भी ले जा सकते हैं क्रूड नेचुरल ऑयल सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस नाउ हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज डे की सी आज सिविल सर्विसेज डे है आज ही के दिन फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी ने एड्रेस किया था फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्विसेज और उनको बोला था कि आप स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इंडिया का स्टील फ्रेम बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर सवाल उठते हैं क्या स्टील फ्रेम में जंग लग गया है क्या स्टील फ्रेम आउटडेटेड हो गया है क्या स्टील फ्रेम केवल बाबूगिरी हो गया है क्या स्टील फ्रेम केवल शो ऑफ करने की एक चीज़ हो गया है नो no. सिविल सर्विसिस डे में ये चीज़ अगेन रियलाइज़ करना जरूरी है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बेस्ट विशेज टू ऑल सिविल सर्वेंट ऑन द ओकेशन ऑफ सिविल सर्विस डे डिफरेंट टेरेन में अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर में ये वर्किंग टायरलेसली अगेन देर आर लॉट मेनी सिविल सर्वेंट्स जो सिंपली साइलेंटली विदाउट एनी मीडिया अट्रैक्शन एट्सट्रा लो प्रोफाइल रहते हुए सिस्टेमेटिकली अपना काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग टायरलेसली डे एंड नाइट

उनका रिमार्केबल है तो वो उनको एक्नोलेज कर रहे हैं रिमेंबर द आइकॉनिक आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी जिन्होंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिफ्लेट एक शुरू का डायरेक्शन हमें यहाँ पे सेट किया ओकेशन पे ट्रांसफॉर्म करें गवर्नेंस कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ आत्मनिर्भर दिस सिविल सर्विस डे में तो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये होते हैं सरकारी नौकरी इन जनरल दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक बार नौकरी लगा तो उनको बीस पच्चीस तीस साल तक सर्विस देना है सो दे डेडिकेशन एंड सेंस ऑफ सर्विस और जील होना भी बहुत जरूरी है हमने नोलन कमेटी के भी प्रिंसिपल्स देखे थे तो आप बताओ योर आइडिया योर आइडिया ऑफ बींग सिविल सर्वेंट क्या है ये सवाल सबको करना है एक दो लाइन में आप आंसर लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिखो बट एवरीबडी क्वेश्चन माई आइडिया ऑफ़ बींग अ सिविल सर्वेंट एक सिविल सेवक होने का मेरा विचार इस बात का जवाब दीजिए इस बात का आंसर लिखिए योर थाट्स योर एक्सपेक्टेशंस आप बता सकते हो अपने क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको इंस्पायर करती है आपका क्या मोटिवेशन है आप क्या चेंजेस ला सकते हो आप क्या वैल्यू एडिशन ला सकते हो अगर सिविल सर्वेंट बनोगे तो कोविड नाइन्टीन के कॉन्टेक्स्ट को भी आप डिस्कस कर सकते हो सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आंसर हम इंटरव्यू में जाते हैं ना तो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवाल यही होता है कि वाई यू टू ज्वाइन एमओपी अब ये हिंदी आर्टिकल है वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों की संरक्षण हेतु जागरूकता अवेयरनेस पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस तथा विश्व धरोहर दिवस का आयोजन होता है विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट, डायवर्स फ्यूचर जटिल अतीत विविध विविध भविष्य डायवर्सिटी है अब ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना हुई 1983 में बना ये यूनेस्को ने इसको मंजूरी दे दिया यूनेस्को क्या है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन तो इससे बहुत सारे वर्ल्ड के डिफरेंट समुदाय एक साथ आते हैं और जो हमारा पास्ट है लेगेसी हेरिटेज है, है, साइट है कल्चरल हो सकती है उसके बारे में अवेयरनेस देते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं इनका ऐसे प्लेसेस हैं जिनका कोई एक महत्व है सांस्कृतिक या भौतिक महत्व है उनको इस लिस्ट में रखा जाता है 1972 में विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण में संबंधित कन्वेंशन बनी एक इंटरनेशनल ट्रीटी बना इनको हम सेफ रखें अब भारत की बात करें तो हमारे यहाँ अभी 38 विश्व धरोहर स्थल हैं थर्टी आते हैं सांस्कृतिक में अजंता की गुफाएं हैं फतेहपुर सीकरी है हम्पी स्मारक है हम सेवन है प्राकृतिक है, है नेचुरल दिस एन्वायरमेंट काजीरंगा मानस नंदा राष्ट्रीय उद्यान ऐसे 2019 में जब जयपुर को सांस्कृतिक श्रेणी में रखा गया थर्टी स्थान प्राप्त हुआ कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है आप बताओ आपके राज्य में विश्व धरोहर स्थल के कौन कौन से नाम है या अड़तीस टोटल है ना थर्टी तो आपके स्टेट से कौन सा है आंसर दिस क्वेश्चन विश्व धरोहर स्थल ये पता होना चाहिए जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो विश्व धरोहर स्थल अब सी सेट है बड़ा आसान था दिस इज एन एम इज़ द सन ऑफ एन तो एम सन है एक हायर की नीचे ओ इज़ द फादर ऑफ एन एक हायर की ऊपर दिस पी इज द फादर ऑफ़ एम पी फादर है एम के फादर है मतलब मेल है तो एन क्या होगा फीमेल होगा हाउ इज एन रिलेटेड टू पी तो एन और पी का रिलेशन क्या हो गया एन इज वाइफ ऑफ पी एन इज वाइफ ऑफ पी अब लेटेस्ट एज्यूम नॉर्थ वैसे ये होता है लेटेस्ट एज्यूम नॉर्थ में यहाँ पर साढ़े चार बज रहे हैं ऐसे तो छः है मतलब नॉर्थ साउथ ये नॉर्थ है ये दिखा रहा है ये सिक्स इधर है फोर इधर है तो हमको जब भी डायरेक्शन देखना है ना अगर हम नॉर्थ की तरफ फ़ेस करें जैसे इंडिया में यहाँ जम्मू कश्मीर ऊपर है हम इधर की तरफ फेस करते हैं तो ईस्ट इधर आता है वेस्ट इधर आता है तो वेस्ट मतलब गुजरात तरफ ईस्ट मतलब दिस अरुणाचल तरफ और साउथ मतलब ये तो इफ़ वी स्टैंड फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब जम्मू एंड कश्मीर तो राइट साइड आएगा ईस्ट और लेफ्ट साइड आएगा वेस्ट तो ये हमेशा हमें याद रखना है नॉर्थ की तरफ फेस करके रहेंगे तो राइट right साइड आएगा दिस ईस्ट और लेफ्ट साइड आएगा वेस्ट तो अब नॉर्थ ये है तो इधर भी आप लेफ्ट और राइट right लगाओ तो ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट साउथ तो इस कंडीशन में ये जो डायरेक्शन है फोर ओ वाला वो नॉर्थ वेस्ट है नॉर्थ वेस्ट ओके थर्ड ये थर्ड सवाल था ये भी बड़ा इजी था Q इज फादर ऑफ बीज सन इन लॉ सी इज क्यूज सिस्टर दिस इज सी इज क्यूज सिस्टर एंड डॉटर ऑफ पी डॉटर ऑफ पी पी इज द मटरनल आंट ऑफ डी मटरनल आंट ऑफ डी हाउ इज़ पी रिलेटेड टू बी पी और बी का रिलेशन बताना है तो ये रिलेशन आ रहा है कि पी इज डॉटर ऑफ बी अगेन हायरकी बताना है और हायरकी के साथ साथ जहाँ हमें पता चल रहा है कि ये फीमेल है उसको हमें आइडेंटिफाई करते हुए चलना है सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम ये सवाल अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए ओके okay? आज के सवाल है एट अ सर्टेन स्पीड एंड डेस्टिनेशन विच इज सिक्स किलोमीटर इन वन आर फोर्टी मिनट इफ द रन डिस्टेंस इन आवर ट्वेंटी अनादर क्लास का फिफ्टीन स्टूडेंट का सेवेंटी टू पॉइंट थ्री है तो कंबाइंड मीन कितना होगा पंद्रह और बारह दोनों स्टूडेंट मिला दें तो थर्ड आई टी का बुक फ्राम अ लाइब्रेरी कंटेनिंग थ्री सेवन एट पेजेस टू बी रिटर्न इन अ वीक्स टाइम इफ़ आई कैन रीड फोर्टीन पेजेस एन आवर एक घंटे में चौदह पेज पढ़ सकता हूँ फॉर थ्री आवर्स डेली तो फॉर हाउ लॉन्ग शूड इड बी रिन यूड सो दैट द बुक कैन बी फुल्ली रेड कितने दिन में मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे आज हमने पढ़ा सी सैट देन वी टॉक्ट अबाउट विश्व धरोहर दिवस आपके राज्य में विश्व धरोहर की कौन सी साइट्स हैं Then this is participatory notes. Civil Services Day. My idea of being a civil servant. Answer. This is Space Station Child Sports. This is Phantom LSE Climate Change. Pe. Prepare this question. Low carbon future. This is watch list or yeah COVID-19 updates. So this is the 21st of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.